हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने पर बल दे रही सरकार। ड्रोन कॉन्क्लेवल में 200 करोड़ रुपए के 5 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में खोले जाएंगे 1000 लोक मित्र केंद्र। युवाओं को घर द्वार मिलेगा रोजगार। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने किया सचिवालय का घेराव, पुलिस से उलझे कार्यकर्ता, सचिवालय का गेट करना पड़ा बंद। रामपुर बुशहर में करंट से टीमेट की मौत मामले में जेई समेत 4 कर्मचारी निलंबित। ऊना के हरोली में बाढ़, स्कॉर्पियो पानी में बही, 8 घरों को नुकसान। पुरानी रंजिश के चलते नालागढ़ में जेसीबी मालिक पर चलाई गोलियां। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला कांगड़ा के पालमपुर में आयोजित उत्तर भारत के पहले हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव के समापन समारोह में चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों, बागवानों को लाभान्वित करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की निगरानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर 200 करोड़ रुपए के 5 MOU हस्ताक्षरित किए गए। प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों में 1000 लोक मित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है। यह पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर द्वार के निकट रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं ने मूसलाधार बारिश के बीच बुधवार को प्रदेश सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के बयान से गुस्साए कार्यकर्ता पहले तो पुलिस से उलझ गए, बाद में सचिवालय गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस को मजबूरन सचिवालय का गेट बंद करना पड़ा। इसके बाद ट्रैफिक वन वे किया गया। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के कारण सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इससे लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। रामपुर में करंट लगने से हुई टीमेट की मौत के मामले में विद्युत बोर्ड के जेई समेत 4 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। बोर्ड के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार ने चारों कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उन्होंने मामले की जांच के निर्देश विद्युत बोर्ड रामपुर और आनी के अधिशासी अभियंता को दिए गए हैं। दोनों अधिकारी 2 दिन में रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। गौर हो कि विद्युत बोर्ड जकातखाना के तहत आने वाले समेज क्षेत्र में बिजली बोर्ड की लापरवाही से टीमेट भूपेश कुमार की करंट लगने से मौत हो गई थी। ऊना जिला के हरोली में आज सुबह भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं करीब 8 से 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने सैलानियों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश की वजह से प्रदेश की 27 सड़कें बंद है। बीबीएन में खनन माफिया अपनी पैर तेजी से पसार रखा है। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। ताजा घटना नालागढ़ के बगलेहड़ पंचायत की है, जहां पुरानी दुश्मनी के कारण देर रात काम से लौट रहे जेसीबी मालिक और ड्राइवरों खनन माफिया ने गोलियां चला दी। इस घटना में जेसीबी मालिक व युवक बाल बाल बचे। मामला पुरानी रंजिश का है। DSP फिरोज खान ने कहा कि गोलीबारी देर रात हुई है। मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते यह घटना हुई है। 3 संदिग्ध मौके से भाग गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।